Press the subscribe button and click on the bell icon to receive all the latest updates. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुणाल, वेलकम टू द फोटोग्राफी ब्लॉगर। और आज के एपिसोड में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो शायद आपको थोड़ा सा टेक्निकल लगे, थोड़ा सा बोरिंग लगे, मैं कोशिश करूंगा ना लगे। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है कलर चेकर के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फोटोग्राफी में, अगर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हो या अगर आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एसेसरी है जो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों और कैसे वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो चलिए साथ में देखते हैं। तो इसका जो भी लिंक वगैरह है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो वेबसाइट एंड ऑल। तो मैं एक जस्ट ओवरव्यू दे देता हूं कि कलर चेकर क्या होता है। अब हमने एक वीडियो की थी जहाँ पे मैंने आपको मॉनिटर कैलिब्रेशन बताया था, तो आपने नहीं देखा था, मैं ऊपर कार्ड में डाल दूंगा। ये जो यूज़ होता है ये एक कैमरा कैलिब्रेशन के लिए यूज़ होता है। तो स्क्रीन मॉनिटर कैलिब्रेशन तो आपने कर लिया, बट कैमरा कैलिब्रेशन आप कैसे करोगे? अब यहाँ पे ये जो एक्सराइट का कलर चेकर है जैसे मेरे पास, तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो नीचे का पैनल है ये आपके कुछ स्टैंडर्ड कलर्स हैं जो यूज़ होते हैं एक प्रोफाइल बनाने के लिए लाइट रूम में, जो हम करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो ये कलर रेफरेंस के लिए होता है आपके पास। और यहाँ पे जो ऊपर का पैनल है ये आप जैसे देख सकते हो, ये जो रो है ये यहाँ पे आप देखोगे साइन बना हुआ है, तो ये पोर्ट्रेट्स का वाइट बैलेंस के लिए है। और इसके नीचे जो आपको ये दिखेंगे पाँच कॉलम्स, ये जैसे आप आइकन में भी देख सकते हो, ये लैंडस्केप फोटोग्राफी अगर आप करते हो तो उसके वाइट बैलेंस के लिए है। तो ये अलग अलग शिफ्ट होते हैं, जैसे एक होगा आपका स्टैंडर्ड, देन आपको अगर थोड़ा कूल करना है तो आप वो वेरिएशन जिसमें वाइट बैलेंस का यहाँ इसको यूज़ करके ला सकते हो। तो ये चीज़ है जो अभी हम देखेंगे। मैं एक फ़ोटो अभी शूट करूँगा, एक प्रोडक्ट की शूट करेंगे हम, उसको देन हम लाइट रूम में लेके जाएंगे और वहाँ पर हम देखेंगे कि आप कैसे कलर चेकर यूज़ करके जो आपके कलर्स हैं वो एकदम एक्यूरेटली आप कैप्चर कर सकते हो। तो मेन यूज़ कलर चेकर के दो होते हैं। पहला यूज़ होता है कि आपके जो कलर हैं ये रेफरेंस लेके आप लाइट रूम में जाके जो एक्चुअल कलर्स आपको दिखते हैं क्लोज टू दैट, आप इसको यूज़ करके एज अ प्रोफाइल यूज़ करके आप अपने फ़ोटो में ला सकते हैं। आप देखोगे यूजली जो आप देखते हो फ़ोटो में और जो आप रॉ में क्लिक करते हो, तो ये एक चीज़ अगर आप कलर चेकर यूज़ कर रहे हो तो आपको रॉ में शूट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आप जब शूट कर रहे हो रॉ में आपको कहीं ना कहीं कलर्स थोड़े डीसैचुरेटेड या कलर थोड़े शिफ्ट आपको दिखते हैं आपके कैमरा में, डिपेंडिंग ऑन द लेंस आप कौन से यूज़ कर रहे हो। तो कलर चेकर यूज़ करके आप उसको ओवरकम कर सकते हो और क्लोज टू द ओरिजिनल कलर्स जो आप देखते हो। तो अभी मैं एक शूट करूंगा एंड वो फ़ोटो मैं आपको लाइट रूम में ले जाके आपको दिखाऊंगा कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आप जैसे देख सकते हो मैं एक प्रोडक्ट शूट कर रहा हूँ, मेरे पास तीन ये एक्शन फिगर्स हैं, मैं इनका शूट कर रहा हूँ अपने DSLR से। तो यहाँ पे मैं मार्क III और सिग्मा का 50mm मैं 1.4 आर सीरीज़ लेंस यूज़ कर रहा हूँ। तो एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, जहाँ भी आपका लाइट सोर्स है, जैसे इधर मेरा अप्रॉक्स 45 डिग्री पे है, तो मैं अपना कलर चेकर जो है मैं उस लाइट सोर्स की तरफ पॉइंट करूंगा एंड देन फोटो क्लिक करूंगा। और आपको इंश्योर करना है कलर चेकर आपके फ्रेम में रहना चाहिए, देन उसके बाद आप कलर चेकर को हटा के नॉर्मल शूट कंटिन्यू कर सकते हो जब तक आप लाइटिंग चेंज नहीं कर रहे। तो अभी आप जैसे देख सकते हो मैं लाइट रूम में हूँ और ये जो फ़ोटो अभी आपको सामने दिख रही है ये हमने कलर चेकर के साथ फ़ोटो ली थी। तो जैसे आपने अभी देखा था कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो वहीं रखे हुए हैं, जो कलर चेकर है वो मैंने प्लेस किया था सब्जेक्ट्स के आगे और पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लाइट, ताकि एक्यूरेटली हमारे कलर चेकर की फ़ोटो आ सके। अब आप जैसे देख सकते हैं दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो ऊपर वाला पार्ट है कलर चेकर का वो यूज़ होता है आपका वाइट बैलेंस एडजस्ट करने के लिए, और जो नीचे वाला पार्ट है वो होता है एज अ कलर रेफरेंस यूज़ होता है। तो जो अभी हम कलर प्रोफाइल बनाएंगे यहाँ पे वो बेसिकली यूज़ होता है जो आपके मोस्टली यूज़ कलर्स होते हैं एक फ़ोटो में या नॉर्मली जो एक सीन में वो आपको दिख रहे हैं नीचे वाले पैलेट में। तो यहाँ पे ये कलर्स को यूज़ करके आपको इन अ वे आपको अलाउ करता है वो एक्यूरेट कलर्स अचीव करने के लिए जो आपको नॉर्मली दिखते हैं बट आप कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैं इसके तीन बेनिफिट्स बताना चाहूँगा, दो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक है आप वाइट बैलेंस एक्यूरेटली एडजस्ट कर सकते हो, सेकेंड है आपको एक्यूरेट कलर्स मिल सकते हैं कलर चेकर यूज़ करके,
और थर्ड जो बेनिफिट है वो है कि अगर आप लेट्स से दो अलग कैमरा बॉडीज़ यूज़ कर रहे हो, लाइक एक 5D Mark III, एक 60D या एक कैमरा का DSLR, एक निकॉन का DSLR, तो ये कलर चेकर यूज़ करके आप करीब करीब एक्यूरेटली आपको ऑलमोस्ट सेम कलर्स मिल जाएंगे। नहीं तो यूजुअली क्या होता है, अगर आप निकॉन और कैनन के आप फोटोज़ देखोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस होता है कलर्स में और टेम्परेचर में। बट अगर आप ये कलर चेकर यूज़ करते हो तो अगर आप वेडिंग शूट कर रहे हो, लेट्स से आपके दो तीन टीम मेंबर्स हैं, कोई निकॉन से कर रहा है, कोई कैनन से, या दूसरे मॉडल्स हैं, तो आप कलर चेकर से अगर आप शूट करते हो एज ए रेफरेंस लेके, तो आप कहीं ना कहीं आप एकदम कलर्स एक्यूरेटली मैच कर सकते हो ऑलमोस्ट सेम। तो ये इसके तीन बेनिफिट्स हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला स्टेप जो आपको करना है, यहाँ पे आप ये जो रॉ फोटो आपको दिख रही है, सबसे पहले आपको वाइट बैलेंस यहाँ पे सेलेक्टर पे जाना है। यहाँ से हम ये जो पोर्ट्रेट वाला है ऊपर वाली रो, वहाँ से हम पहला वाला चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपका वाइट बैलेंस अभी सेट हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बाकी जो चार हैं राइट साइड में किस लिए हैं, तो बेसिकली आपको मैं दिखाता हूँ। कलर चेकर हमने सेलेक्ट किया, तो ये जो पहला बॉक्स आपको दिख रहा है ये आपको न्यूट्रल वाइट बैलेंस देता है। अब आप जैसे जैसे आगे आते रहोगे ये आपको दिखेगा कलर कहीं ना कहीं ब्लू में टर्न हो रहा है। तो वो ब्लू में क्यों टर्न हो रहा है, आपको अगर वार्मर टोन्स चाहिए तो आप थोड़ा ब्लूइश कलर ऐड अगर करते हो तो आपको वार्मर टोन्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप मैं दिखाता हूँ आपको, मैं एकदम एंड वाला यूज़ करूँगा तो आप देखोगे ये वार्मर टोन हो गए यहाँ पे। तो अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए आप वो भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं न्यूट्रल वाइट बैलेंस लूँगा तो मैं ये सेलेक्ट करूँगा। अब जब आपने वाइट बैलेंस सेलेक्ट कर लिया, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको एक कलर प्रोफाइल बनानी है जो आपको कलर चेकर की मिल जाती है। आप डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से, या अगर आप कलर चेकर खरीदते हो एक्सराइट का तो आपको साथ में CD भी मिलती है। तो जब आप वो इंस्टॉल कर लोगे आपको फाइल पे जाने हैं ऊपर, यहाँ पे आप एक्सपोर्ट विद प्रीसेट पे जाओगे तो यहाँ आपको एक कलर चेकर पासपोर्ट लिखा हुआ दिख जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रोफाइल नेम रीनेम करनी है। मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ अपना कैनन 5D Mark III जो मेरा कैमरा है, प्लस लेंस जो मैंने सिग्मा 50mm 8 यूज़ किया, प्लस मैंने सॉफ्ट बॉक्स यूज़ किया था। तो मैं कैमरा लेंस और लाइटिंग के नाम से मैं अपना प्रोफाइल नेम बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बना के सेव कर दिया है। तो अभी ये एक प्रोफाइल सेव हो रही है। अभी इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो असली मैजिक होगा कलर चेकर यूज़ करके। तो यहाँ पे कलर चेकर पासपोर्ट की ये प्रोफाइल यहाँ पे बन चुकी है। तो ये मैं ओके क्लिक करता हूँ। तो अभी ये हमारा स्टेप हो चुका है पूरा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बेसिकली आपकी जो भी फ़ोटो थी आपको उस पे जाना है, जो भी आपने इस लाइटिंग में शूट किया है इस कैमरा लेंस और लाइटिंग की कॉम्बिनेशन में, आप उस फोटो पे जाइए। आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको यहाँ कैमरा कैलिब्रेशन दिखेगा, यहाँ पे जाके आपको एक प्रोफाइल का सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे अभी आप जो देख रहे हो ये एडोब स्टैंडर्ड पे शॉट है, ठीक है, जो मैंने कैमरा से क्लिक किया था। तो यहाँ पे मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको ये प्रोफाइल जो हमने अभी बनाई थी कलर चेकर वाली, यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। तो आप देखना कैसे बैकग्राउंड में जो कलर्स हैं और जो कलर चेकर में कलर्स हैं वो कैसे चेंज हो रहे हैं। देखा आपने कि कैसे शिफ्ट आया। अब ये जो आप कलर्स देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट एक्यूरेटली जो आपको दिख रहे थे उस तरह के कलर्स हैं एज़ कम्पेयर टू जो आप पहले एडोब में देख रहे थे। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये था हमारा पहले जो हमने शॉट किया था और ये है कलर प्रोफाइल लगाने के बाद। तो आप देख सकते हैं कैसे इतना कलर चेंज आया इन फ़ोटोज़ में। अब मैं आपको दूसरी फ़ोटो में भी दिखाता हूँ, ये जो हमने एक्चुअल प्रोडक्ट शूट किया था। तो यहाँ पे अभी आप ये देखोगे ये जो नॉर्मल है एडोब प्रोफाइल में। अब मैं क्लिक करता हूँ कलर चेकर में, तो आपने देखा कैसे एकदम कलर्स चेंज हुए हैं। आप फिर से देखिए, ये एडोब था और ये जो हमने कैनन का जो प्रोफाइल बनाया था कलर चेकर से यूज़ करके। तो ये है कैसे आप कलर्स का जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन कर सकते हो और कलर्स कितना एक्यूरेटली आप मैच कर सकते हो एक कलर चेकर यूज़ करके। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा आप नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पे, कहीं पे भी। बस नॉलेज स्प्रेड होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।